बीमारी, डिप्रेशन की समस्या से पार पाने के लिए और लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए अपने सिरहाने क्या रखकर सोए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई बार ये कहा जाता है कि सिर के नीचे ये रखिए, सिरहाने ये रखकर सोइए, इससे फायदा होगा, इसका कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, 100% असर पड़ता है। बीमारियों से अगर मुक्ति आप चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं तो आपको हर रोज अपने सिरहाने बादाम रखकर सोना चाहिए और सुबह उसे मंदिर में दान कर देना चाहिए। ये उपाय 40 दिनों तक करना चाहिए। जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है वो रात में अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख कर के सोएं। सुबह उठ करके कीकर के पेड़ की जड़ में डाल दें और ये भी उपाय 40 दिनों का है। निश्चित रूप से डिप्रेशन आपसे करोड़ों कोस दूर हो जाएगा। जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं ऐसे लोग हर रोज अपने सिरहाने चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पानी से भर करके सोएं। जीवन में परेशानियां अगर बढ़ रही हैं तो रात में लाल चंदन की पुड़िया बनाकर अपने तकिया के नीचे रखिए और सोइए। देखिए, अभी तक तो आप सुन रहे हैं कि नींद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तामसी भोजन करने वालों के अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये तीनों चीज़ों की स्थितियां बहुत तेज होती हैं। तो कहने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाले लोग तामसी होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, ये बताइए कि किस तरफ सिर रखकर सोने से शुभ फल मिलते हैं? आप हमेशा वास्तु के बारे में हमें बताते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि दिशा का भी कैसे ख्याल रखें सोते हैं? आप चाहे जहाँ पूरे विश्व में कहीं भी सोएं, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन दिन में पूर्व दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना भी शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से गहरी नींद और अच्छी नींद आती है। मुख्य द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।